हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो बाई डीके में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में सिखाने जा रहे हैं आपको हम कि आप किसी भी स्कूल के ड्रॉप बॉक्स से उस बच्चे को अपने स्कूल में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और यहाँ गूगल को ढूंढ लेते। गूगल पर टाइप करेंगे यूडाइस प्लस आ जाएगा आपके सामने और यहाँ यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अपना स्टेट, जो भी आपका स्टेट रहा होगा, और यहाँ गो पे क्लिक करना है आपको। इसे गो पे क्लिक करेंगे और यहाँ लॉगिन कर लेंगे आप अपने स्कूल का आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, पहले आईडी पासवर्ड और कैप्चा यहाँ लॉगिन कर देते हैं। यहाँ लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ 2024-25 पर जाएंगे और इस पेज को देखो यहाँ से हटा देंगे क्लोज पे क्लिक करके, और हम सीधे जाएंगे कहाँ, इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है हमें। यहाँ यहाँ क्लिक करने के बाद देखो ये तीन बॉक्स आपके सामने आ जाते हैं और हमें जाना है कहाँ, ड्रॉप बॉक्स वाले, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखो मैंने पहले बता था पहली वीडियो में आपको, यहाँ आपको स्कूल का या यूडाइस कोड नहीं डालना है, हमें पता नहीं है, ठीक है। यहाँ डालने से कुछ नहीं होने वाला, अगर डाल लेंगे आप यहाँ फिर आपको इंपोर्ट का बटन नहीं दिखाई देगा। अगर आप यहाँ स्कूल का यूडाइस कोड डाल के सर्च करेंगे तो सर्च तो आप कर लोगे, बच्चे के नाम भी लिखे आ जाएंगे, लेकिन इंपोर्ट का बटन आपको वहाँ नहीं दिखाई देगा। इसलिए आप यहाँ जाइए, इससे सर्च करना है आपको, स्टेट सेलेक्ट करेंगे उत्तराखंड, जिला जो भी आपका रहा होगा, ब्लॉक जो भी उस ब्लॉक के बच्चा है, और यहाँ अगर विद्यालय का नाम आपको याद है टीसी पे लिखा होता है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये विद्यालय के नाम लिखे देखो आ रहे हैं, इनमें से आप जो भी आपका विद्यालय उस पर क्लिक कर लोगे, ठीक है। अगर आपको यूडाइस कोड याद है जैसे मेरे याद है तो आप यहाँ यूडाइस कोड डाल दोगे और जल्दी से आसानी से वो सर्च हो जाएगा, लिखा गया है, और अब यहाँ क्लिक कर देते हैं। फिर आप यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे और देख लीजिए आपके सब बच्चे यहाँ निकल कर आ गए हैं और देखो इम्पोर्ट का बटन भी उसके सामने लिखा आ रहा है, अलाउड 2024-25 इम्पोर्ट, ठीक है। चलिए इम्पोर्ट कर लेते हैं। कुणाल है, कुणाल बच्चे को हमें इम्पोर्ट करना है, तो देखो इसके सामने जो यहाँ इम्पोर्ट का बटन लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप किसी भी स्कूल के ड्रॉप बॉक्स से बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद देखो इस प्रकार से हमारे सामने लिखा आ जाएगा, ये बच्चे का पैन नंबर आसानी से वहीं से उठ गया है, और यहाँ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है हमें, तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 13/1/2014 है, आप डाल देंगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ देख रहे यहाँ लिखा है गो, और गो पे क्लिक कर देंगे। गो पर क्लिक करने के बाद देखो बच्चे का पूरा विवरण हमारे सामने देखो आ जाता है, कुणाल है, अमृता है, और गोविंद बाप का नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब, आधार नंबर सब लिखा रहा है। हम सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ क्लास, यहाँ इम्पोर्ट क्लास लिखी हुई, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन ए है, और यहाँ उसका डेट ऑफ एडमिशन डाल देंगे आप, और देखो यहाँ सामने लिखा हुआ इम्पोर्ट, इस पर क्लिक कर देंगे और देखो ये लिखा गया है, आर यू श्योर यू वांट टू इम्पोर्ट द स्टूडेंट नेम कुणाल, क्लास 23-24 की ये है, और क्लास टू इम्पोर्टेड एडमिटेड 6th में, कंफर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके आ गया, स्टूडेंट सक्सेसफुली इम्पोर्टेड है। इस प्रकार से आप बच्चे को किसी भी स्कूल के ड्रॉप बॉक्स से इम्पोर्ट कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि स्कूल के नाम क्या है, उसका जहाँ से वो बच्चा आया उस स्कूल का नाम क्या है। नाम पता है तो बड़ी अच्छी बात है, आप धीरे धीरे ढूंढ लोगे उसमें लिस्ट में। अगर आपको यूडाइस कोड पता है तो उसे जल्दी आने ढूंढ लोगे आप और आसानी से बच्चे को इंपोर्ट कर लो किसी भी स्कूल के ड्रॉप बॉक्स से। किसी भी क्लास के स्टूडेंट को आप इम्पोर्ट कर सकते हैं किसी भी स्कूल के ड्रॉप बॉक्स से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय।